मॉर्निंग फ्रेंड फ्रेंड आज का जो भी मतलब मैं क्राफ्ट बना रही हूँ, तो ये मेरे पास एक ऐसा ट्रे मैंने कहीं से ख़रीद लिया था, मतलब ये बेकार ही था उनके लिए, तो मैंने इसे 40 या 45 रुपए में ख़रीदा था और ये काफ़ी बड़ा भी था, तो इसे मैंने सोचा था कुछ टेबल के लिए मैं इस वो ट्रे को यूज करूँगी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आज इसे तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसको पूरे में पिंक कलर का ऐसे कलर कर लिया है, एक्रेलिक पेंट ही किया है मैंने, तो इस पे आज मैं डेकोपॉज करने वाली हूँ। शायद मेरे लिए ये पहली बार होगा, तो आज मेरा जो भी DIY होगा सेम ही होगा, पर दोनों अलग अलग ही रहेगा। थोड़ा शायद कह सकते हैं यूज़ तो मैंने बेकार सामान का ही किया है, ये भी मेरे लिए बेकार ही था, मतलब उनके लिए बेकार ही था, तो मैंने ख़रीद लिया, तो मेरे लिए तो एक जुगाड़ ही हो गया। तो मैं बताते चलूँगी आपको, पहले मैं बता दूँ कि क्या कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेकोपाज जो पेपर था, तो उसे मैंने ऐसे ही रफली ऐसे ही फाड़ लिया है, क्योंकि इसे फाड़ा ही जाता है, कट नहीं किया जाता है, उसके एजेज बराबर नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले, मेरे पास इसका ग्लू नहीं था, तो मैं थोड़ा सा अपना फेविकोल में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको पतला कर लिया था, और ब्रश की सहायता से ऐसे मैं चिपकाते भी जा रही हूँ, और यहाँ पे हाथ से अगर जो करेंगे तो आप फट सकता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पॉलीथीन की सहायता से इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर से भी इसको मतलब डेकोपॉज तो ग्लू नहीं है, तो मैंने उसे ही यूज किया है यहाँ पर। तो ब्रश से मैं चिपकाते जा रही हूँ, और थोड़ा सा भी ये इतना पतला होता है, इसका एक लेयर निकल जाने के बाद ये बहुत ही पतला बचता है, तो यहाँ पे मैंने फिर से पॉलीथीन का ही यूज करके इसको भी मतलब अच्छे से चिपका लिया है मैंने, और बाद में ये एकदम नहीं लग रहा था कि मतलब ये अलग अलग से मैंने थोड़े से लेयर लगाए हैं। और अगर वही सेम डिज़ाइन आपको वहाँ से कट करके लगाएंगे तो एकदम पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया था, तो जो सूख जाने के बाद बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा था। अभी तो लग रहा था कि थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही हुआ या नहीं हुआ, पर बाद में सही से इसका रिजल्ट आया था। और थोड़ा सा मैंने ऐसे गोल्डन से इस पर गोल्डन कलर में थोड़ा सा इस पर ऐसे ही हाथ से वो कर लिया, और फिर मेरे पास कोई स्टेंसिल था नहीं, तो मैंने यहाँ पे शादी का कार्ड जो होता है तो उसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि स्टेंसिल का भी कुछ डिजाइन मिल जाता है, तो मैंने उसे ही रख लिया था। तो उसी डिजाइन में मैं यहाँ पे गोल्डन कलर से बॉर्डर पे ऐसे कुछ क्रिएट कर रही हूँ, चारों तरफ से मैंने ऐसे कुछ बना दिया इस तरह से। तो फ्रेंड आज का जो भी मेरा DIY बहुत ही अलग ही होने वाला है, आप देखेंगे। मैं पहला तो आपको दिखाई चुकी, दूसरा भी आप बने रहिएगा देखने के लिए कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग दोनों ही DIY हैं, तो आप देखते चलिए मैं क्या बना रही हूँ। और ये इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करके यहाँ पे अंदर भी गोल्डन से थोड़ा सा कर दिया, और ये तैयार है। दूसरा DIY के लिए दूसरा ये मतलब क्राफ्ट बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ऐसे मिठाई का बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, काफ़ी स्टिफ था, मतलब बहुत ही ठीक था, तो ये इसका मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई बॉक्स पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे दो को रीयूज किया है, तो मैंने इन सबको कट करके रख लिया है, तो इसका मैंने आगे एक दो वीडियो में कुछ बना लिया है, और आगे कुछ आने वाला है इसका, मतलब मैंने सारा पार्ट यूज कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मेरे पास पतले पतले प्लैंक पड़े थे, तो मैंने सोचा इन लकड़ियों का कुछ मैं इसी में ही जुगाड़ करूँगी, तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये तो शायद लोहे का निकला, मतलब कुछ अलग ही था, कुछ समझ में नहीं आया ये है क्या, तो मैंने सोचा सही है, क्योंकि इतने के बराबर एक मेरे पास और प्लैंक पड़ा था, तो मैंने इसे ही यूज किया, पर ये आगे जाके नहीं इसमें कील जा रही थी, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ा, फिर मैंने लकड़ी का ही इस तरह से लगाया। तो एक जो था प्लैंक वो बड़ा था, मतलब साइज में सही था, तो एक छोटा था, तो उसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया है, तो आगे देखते रहिए कि मैंने कैसे कैसे इसको जुगाड़ करके क्या बनाया है। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कुछ कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड,
और आप मोटिवेशन के लिए मुझे कुछ अच्छा सा कमेंट करके मुझे प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं बहुत ही मतलब डिमोटिवेट हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे व्यूज़ एकदम नहीं आ रहे हैं, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड थोड़ी सी हेल्प तो बनता है ना। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी आप मेरे इस वीडियो को इसी को क्या मतलब आप मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जो छोटा सा मतलब जो एक प्लैंक छोटा था, तो मैंने यहाँ पे ये अमूल का एक डिब्बा ही था, मतलब उसका बॉटल था, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे रीयूज कर लिया, तो दोनों साइड मेरा बराबर हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे भी डेको पॉज ही कर रहे हैं, तो ये मेरा सिमिलर है कि मैंने डेको पॉज दोनों में किया है, और ये कह सकते हैं इसे टू टायर ट्रे ही बनाया है मैंने, इसको आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। मैंने कभी गार्डन में इसे यूज किया है, तो कभी अब मैं इसको अपने लिविंग रूम में रख के अपने छोटे छोटे प्लांटर को रख के यूज कर रही हूँ। आप हर तरह से इसे यूज कर सकते हैं। एक बार तो मैंने इसे किचन में भी यूज किया था, पर किचन में मतलब थोड़ा सा ये हाइट में ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ से हटा ही दिया। तो मेरा मतलब ये हर जगह पे यूज हो जा रहा है इसे। आप मतलब ये इतना इसका थिक कार्डबोर्ड है, इसका मतलब बॉक्स जो है बहुत ही अच्छा है, तो इसे आप कुछ भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रफली इसे फाड़ ले रही हूँ। वैसे तो ये पानी ब्रश और पानी की सहायता से फाड़ा जाता है, पर मैं थोड़ा जल्दी में ऐसे कर दे रही हूँ। और अंदर बॉक्स में एक लेयर मैंने मतलब एक आप गिफ्ट रैपिंग वाला पेपर भी चिपका के उसे और भी खूबसूरत कर सकते हैं, या आप जो भी डेको पॉज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा एक मतलब गिफ्ट रैपिंग पेपर ही लगा दिया अंदर, और बाहर मैंने ऐसे कलर कर दिया पिंक कलर में। मतलब मैंने बहुत ही सिंपल सा और आसान सा इस तरह से तैयार कर दिया, और ये तैयार है।